अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी बात सही है? रंग रंग लाल या अल्लाह पाओ मैं चोकला, या अल्लाह पाओ मैं चोकला ना, कोई नज़र नहीं आ रहा फिलहाल, कोई कॉल आंदा तो को पूछते हैं सिस्टर सिस्टर से कपड़ा सी आप पर्सन ने बोला कि आप बहुत प्यारी लग रही हो थर्ड ईयर ऑफ कुल इखकारे अच्छा थैंक यू अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं थोड़ी उस टाइम लाहौरी तो तुम देख रहे हो 50 TV। नाज़रीन अज असं आए हैं लिबर्टी मार्केट, साढ़ा अद्धा सवाल है बड़ा ही आहो सवाल, पता की है सवाल है वेखे थानू फुफो चंगी लगती है या मासी? मैं अपने थानू पर्सनल जवाब दसा तो मैं कोई भी नहीं चंगा लगता, तो अच्छे इतने लोगों को पुछते लोग ये कहते हैं कि हर घर इन्ने पुआले पुआए हुए हैं, फुफिया ने मासिया ने कितने फुफी ने कितने मासी के चाचे ताए मामे हर कोई ना अपने खानदान तो आवाजार होया प्यार, पर मैं नहीं आई, मैं चंगी भली आवाजार हुई हूँ, मैं बाजार भी आई हुई हूँ, मैं खाली आवाजा नहीं, तो असं पूछते हैं लोगों को लोग की कहें चलो आओ तो नाजिम ना कोई वेखे देखो अस सवाल का जवाब पूछना, कोई नज़र नहीं आ रहा फिलहाल, कोई कॉल आंदा तो को पुछते हैं सिस्टर सिस्टर से भरा सी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, पहले कन्फर्म करो तुम सिस्टर हो के ब्रदर हो? मैं आपको क्या लाग रहा हूँ, बाल भी है तो मुछा भी है तो दाढ़ी भी है, समझ नहीं आ रही। मैं तो मुंडा ही लाग रहे हैं, तो मुंडा ही हाँ, लेकिन शक्ल थोड़ी थोड़ी ना कुड़िया बड़ी है मासूमियत वाली, हमारी शक्ल ही ऐसी है हर कोई फिदा हो जाता है। मैं फिदा नहीं है, तू गलत पास लै गया। अच्छा मैंने सवाल का जवाब दे, थोड़े घर लड़ाइया होंगे? लड़ाइया कि घर नहीं होंगी है, बस दसो मैं, साढ़े घर नहीं होंगी, बाकी सारे हमारे घर होंगी। अच्छा घर लड़ाइया कौन करवा, या मासी? मतलब तेन कौन चंगा लगता, फुफी चंगी लगती है या मासी चंगी लगती है? मैनू कोई भी नहीं चंगा लगता, यह तो मेरे वाला जवाब दिया, कोई भी नहीं चंगा लगता, क्यों नहीं चंगा लगता? लड़ाइया ही कराते हैं तो बंदा कि चंगा लगेगा, तो फुफिया कुछ कहते नहीं, फुफिया मासी का घर आना बंद कर दो उन्होंने, वो मेरे वाल ही ना बढ़ा देन बुट के नहीं, मैं तो आना बंद करता है टका के, क्या हो कोई ना मेरे साढ़े घर, मैं घर ही नहीं आता जो आन, अच्छा तू आप ही घरों बेकार हो जाता, कल तेरे घर आगे डेरा ला लिया बह गया, तू सारी जिंदगी बाहर ही रहेगा, मेरे दोस्त के घर बादू जिंदाबाद। फुफिया ने नहीं कटना, फुफिया के खातिर घर छड़ देना, कैसा मुंडा है? उन्होंने मैं घरों कटिया, मैंने घर आलिया ने कट देना, पर तेरी घर कोई नहीं चलती जुलती? चलती है लेकिन इस मामले च नहीं चल, तेरी चलती कि मैं तेन कदम कोई दूजी दफा सालन भी नहीं दिता, पहली दफा तले मिलता तेन चलती है तेरी, नहीं सालन क्या सालन भी आईडी कार्ड बहा के ले लें कितों ना कितों, देखिए मैं तेन उही कहना तेन तेरी इसलिए कोई सुनता भी मेरी सुन दे, मैं नहीं किसी बन दी, तो अपनी भी तू बना के रख, तेरी भी सस ने कोई किसी वाले ना, तो एक दफा कभी फुफी ना आया कुछ भी ना वाले है, चाचिया तैयार भी नहीं, नहीं 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 इंज नहीं करना, यह गलत काम होंगे, एक तो थोड़े घर लड़ाइया पवाने फिर अपने घर भी बुला दे, उन्होंने असं थोड़ी बुलाने जरा मूँह चुक के आइएगा तो असं तो वेलकम ही करा, यदिया फुफियां मूँह चुके आदि ने दस दिता है पठान अच्छा पछतो जो कोई चंगी गल तो दसो, मतलब कोई पछतो में कोई अच्छी से प्यार मोहब्बत वाली बात तो बताओ, गाना नहीं कटनी अब पछतो में, अब मैं आप उर्दू में मुझे कोई बात बता दे, मैं मतलब आप पछतो में बोलो कि आप बहुत प्यारी लग रही हो, थर्ड ईयर ऑफ कुल इखकारे अच्छा थैंक यू हाँ मैं एक सवाल पूछा तो मैंने कह रहा तो मैं प्यारी लग रही है, मैं ना कि गल करा, अच्छा बताओ आपके घर में लड़ाइया होती हैं? नहीं। अच्छा बताओ आपके खानदान में फुप्पो होती हैं मासी होती हैं, ठीक है आपको कौन अच्छा लगता है, फुप्पो या मासी? फुप्पो फुप्पो बाकी पठान इन फुप्पो चंगी लग रही है हाँ वो घरों की बात है, नहीं मासी क्यों नहीं अच्छी लगती? बस वैसे ही फुप्पो की वो शैतानियाँ वो मजे की होती है, फुप्पो की शैतानियाँ मजे की, लेकिन हमारे तो पंजाबी में फुप्पो मासी सब अच्छी लगती है हमें, तो हम नहीं किसी एक को जज करते हैं, हम कहते हैं दोनों अच्छी हैं, दोनों से प्यार है हमें, तो बड़े अच्छे लोग हैं, पंजाबी बड़े अच्छे होते हैं, पंजाबी बहुत ही अच्छे होते हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ, तो हमारी पंजाबी आवाम को कुछ कहना चाहेंगे आप? तो पश्तो में पख्तून गाना सुना दो कोई, तो बिल्कुल भी नहीं गा सकता, मेरे दोस्तों में से अगर कोई गा सकता है तो हाँ मज़र ये गा सकता है, मज़र पख्तो की योगा नहीं हुआ है, मज़र 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 राजा 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 मतलब इसको पियानो चाहिए गाने के लिए, अच्छा प्रॉपर सिंगर है क्या कर रहे हो पंजाबी ऐसे आती है।
नहीं नहीं मैं हम आपको पियानो देते हैं, कहाँ जा रहे हो पठान भाई, आप क्यों डर रहे हो? पंजाबी अच्छे होते हैं, पंजाबी इतने बुरे नहीं होते। मैंने सिर्फ डायरेक्शन अच्छी दिखाई है भाई, बाकी सब सेट है लोग पास। नहीं गाना सुनाना मैं नर्वस भी नहीं कर सकता। अच्छा चलो आप ये बताओ, आपको फूफो अच्छी लगती है या मासी अच्छी लगती है? मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता। वेरी नाइस, सच्चा बंदा, कोई भी नहीं चंगा लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? मुझे उर्दू नहीं आती अच्छी लगने सही से। उर्दू भी नहीं आती, पंजाबी भी नहीं आती, क्या आता? पर और सानू नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती सानू, अल्लाह हाफिज़ कर दिया टाइम नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, की हाल है जी? ठीक ठाक। ते मैनू दसो थोड़े खानदान च भी हर घर च लड़ाइयां होंदियां, थोड़े घर च भी होंदियां होनियां थोड़ियां बहुत नोक झोक? हल्का फुल्की तुहानू पता हर जगह ते होर हल्की फुल्की। ते तुसीं मैनू ऐसे, तुसीं ते वैसे काफ़ी मतलब समझदार हो, मैं ते वैसे बच्चियां वाला सवाल है मेरे कोल, कि तुहानू मासी चंगी लगदी या फुफो चंगी लगदी? दोनों ही चंगे लगदे ने। नहीं कोई इक हुंदा ना कि नहीं चंगा लगदा? ज़्यादा चंगे लगदे ने। फुफी क्यों ज़्यादा चंगी लगदी है वजह? मासी है नहीं अब दुनिया में, मासी है तुहानू इसलिए फुफो चंगी लगदी है, फिर तुहाडा जवाब सही है जी। शुक्रिया। गुजरांवाला कभी भी जा सकते हैं। तो जिधर जाऊंगा फिर मेरे चिड़े लाए के ना मैं भी खाऊंगी, ठीक है? पक्का अबे लेना तो मैं ड्रेस देख जाऊंगी जान लगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम आशो पंजाबी में है, कोई मसला आती है ना? की हाल है? शुक्र है अल्लाह, तू सुनाओ? ठीक सब ठीक। आज सन पहले सर थोड़े घर से लड़ाई झगड़ा होता छोटा बहुत नो जोक हुंदी है घर वाले? बड़ी बड़ी लड़ाई हो जाती, छोटी मोटी तो वध गई। लड़ाई की वजह की हुंदी? हर वजह की, हर लड़ाई की लैदा वजह होती, बाद दफा बगैर वजह तो भी शुगर मेरा लग जाता। सही है ना, साढ़े वाला हाल है। मतलब तुम मैं यह दसो कि तुम मासी पसंद है या खाल फुफो पसंद है? करवाना की है, जो मेरी फुफो मासी ने वेख लिया तो फिर मसला हो जाएगा। तुम्हारे घर लड़ाई करवानी है मेरे को? अच्छा हूँ एक और नहीं, उन्होंने कोई मसला नहीं है, उन्होंने वैसे ही कह देंगे तो वो एहतियातन लड़ लेंगे। यार देखो मेरी फुफो एक थी वो फौत हो गई है, और खालाएं मेरी चार हैं, तो जाहिर सी बात है जो फौत होते हैं वो ज्यादा याद आते हैं, ये बस मसला है, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह याद नहीं है। बात दरअसल ये है, जो दुनिया में ना रहता है बाद में उसकी कदर होती है, पहले बेशक वो बड़ी अच्छी होंगी लेकिन मरने के बाद आपको और अच्छी लगती हैं। दसो थोड़े घर छोटी मोटी लड़ाई होंगी है नोक जो? फिलहाल तो छोटी मोटी है, घर तो तुरद फिरते हो जाते, किसी ने चुंडी पड़ते साढ़े घर लड़ाई हो जाती, थोड़े घर होंगी है? नहीं इन तो नहीं। अच्छा मैं फूफो पसंद है या मासी पसंद है? दोवें नहीं पसंद है मेरे वाला हाल, दोवें नहीं पसंद है, दोवें ना पसंद की वजह? दोवें ना पसंद की वजह मतलब कोई भी नहीं पसंद, आपस से लड़दी रहेंदियाँ वहाँ, एक दूसरे की चुगलियाँ कर दिया रहेंदियाँ वहाँ, और काम ही कोई नहीं। ऐ आंटी आओ, मेरी आंटी वड्डी आंटी छोटी आंटी दोनों सुन लो, ऐ मैं भी थोड़ा मैं ही कहना चुगलियाँ करनियाँ बंद कर दो ते लोगों के घर बचाओ। तो मतलब क्यों कर दिया चुगलियाँ, मिलता की लड़ाइयाँ पवा के? वैसे उन्होंने मज़ा आता वा शायद, क्योंकि वो कहते ने कि मतलब कहते ना कि वो देख दिया कि लै भी उन्हें सोना पा लिया, कपड़े सोने पा ले ते मैं सोना नहीं पाया, फलाने मेरे बंदे ने फलानी शह लैती है, फलाने लैती उन्दी उन्दी जुगली कर देती है, मेरे फलाने फलानी शह लैती। घर च यही चीज़ा होंगे ना, होर तो ज़्यादातर लड़ाई होंगी। चलो कोई ना, हर घर का मसला है, किसी को पूछ मैं तो सब मतलब दो ही ज्यादा देख रहा सा दस शौक है, लोगों को पूछना फुफियाँ पसंद या मासियाँ, किसी को कोई भी नहीं पसंद, फुफियाँ मासियाँ थोड़ा मेरा हाथ जोड़ के ऐसी आई कहें कि ना लड़ाइया पवाओ, ना चुगलियाँ करो, ना लोगों के घर बर्बाद करो, अपने घर से आराम सुना रहो, कि अपने घर क्यों नहीं पैदा कहने लगे थोड़े घर से आराम नहीं पैदे हैं। तो मैंने दो इजाजत, तो तुम वेखने वाले दसो कमेंट से कौन नहीं पसंद, फुफी या मासी, मैंने तो कोई भी नहीं पसंद, मैंने तो अपने घर वाले भी नहीं पसंद, सही दसाते। अल्लाह हाफिज़।